मूवी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। जैसा कि हमने पार्ट वन देखा था, सेम उससे पार्ट टू है। सस्पेंस बहुत ज़्यादा है मूवी के अंदर और देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। एडिटिंग काफ़ी अच्छे से की गई है, बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मूवी देख के काफ़ी मज़ा आया। लास्ट में ये देखने को मिलता है इन द एंड में कि फैमिली इज़ एवरीथिंग। हमारे लिए फैमिली सब कुछ होती है और फैमिली के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो लास्ट में एंडिंग काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी को दिखाया गया है, किया गया है, तो बहुत अच्छी लगी मूवी देखने के बाद। दृश्य मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं पहले की मूवी की तरह कि सीजन जो वन जिसका पार्ट वन जो था कुछ वैसे ही होगा, बट ये उससे भी खतरनाक थी। और कहते हैं ना कि फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो इस फिल्म में दिखाया गया। जैसे कि पार्ट वन में था वो इस बार भी फिल्म में दिखाया गया। मैंने बहुत इन्जॉय किया फिल्म को और आई होप कि इसका पार्ट थ्री भी बने। अब मैं सभी का काम अच्छा था, अजय सर का काम ऑलमोस्ट हैट्स ऑफ ही था और हमेशा रहेगा। एक्चुअली मैं म्यूजिक से ज़्यादा मैं कहानी से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा था और म्यूजिक पे ध्यान नहीं दे पाया मैं, बट कहानी से बहुत अच्छा कनेक्ट हो गया और कहानी कहीं भी लूज नहीं कर पाई। और अक्षय खन्ना की एंट्री बिल्कुल लाजवाब थी और एंड तक बांध के रखा, मतलब वो तो हैट्स ऑफ है ही हैट्स ऑफ है उनको। अजय देवगन, एनी गुड डे, एनी गुड डे, ही किल्ड इट ऑन स्क्रीन। द लॉट ऑफ फाइव, हाउ मेनी स्टार्स? फाइव 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 बहुत अच्छी मस्ती एंडिंग, मींस अनएक्सपेक्टेबल था कि ऐसा भी हो सकता है। क्या दिमाग है, वाओ, जिसने भी लिखा है। वेल, पार्ट 1 से पार्ट 2 कितना रिलेट कर रहा है? पार्ट 1 तो अच्छी थी ही, बट पार्ट 2 इज लाइक सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ कोई कर सकता है। कि पहले उसने पूरा प्री प्लान करके रखा था, मस्त था, बहुत अच्छा था। नो डाउट अजय देवगन। म्यूजिक सुपर्ब था क्योंकि उनकी एक्टिंग तो अच्छी थी, बट उसको ऊपर जो उठा के लाया वो म्यूजिक था, मेन म्यूजिक बहुत अच्छा था। यार सीरियसली बहुत मजा आ गया देख के, मतलब ऐसा प्लॉटिंग जिस तरह से उन्होंने दिया है ना, स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्टिंग, काफ़ी मज़ा आ गया। तमिल में देखा था मैंने, पहले भी देखा था, बहुत पहले ही देख लिया था, बट हिंदी वर्जन नेक्स्ट लेवल था क्योंकि अजय सर की एक्टिंग और अक्षय खन्ना की एक्टिंग, सबका एक्टिंग कंबाइन करेंगे ना, बहुत प्यारा स्क्रिप्टिंग किया हुआ है और स्टोरी बनाया है। अगर आप डे टू डे लाइफ से रिलेट करना चाहते हो कि लाइफ को कैसे जीते हैं, अगर कभी कुछ